आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी लेके आए हैं मूली और बेसन की। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो उसके लिए हमने दो मूली ली है, उसे अच्छे से साफ कर लिया है और ऊपर का छिलका हटा दिया है। अब इसे कद्दूकस कर लेंगे। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 1/4 लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1/4 धनिया पाउडर लिया है, एक चुटकी इसमें हींग ऐड किया है, नमक 1/4, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/4 और आधा कप बेसन ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इसमें करीब 4 चम्मच पानी ऐड किया है हमने। इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, मिक्सचर को पूरी तरीके से गाढ़ा रखना है। ठीक इसी तरह आपको करना है, तभी इसकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और जल्दी बनती है। तो हमने एक यहाँ राउंड शेप का बर्तन ले लिया है, इसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे। बाउल में सारा मिक्सचर सेट कर दिया है और अब इसे हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो उसके लिए एक पैन में हमने 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है और इसमें एक स्टैंड रख देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे पहले और बाद में स्लो कर देंगे और इसे कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। आठ से 10 मिनट हो चुके हैं, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये पूरी तरीके से सेट हो चुका है और इसे होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसके पीसेस काट लेंगे। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और एक ही टमाटर लिया है, दोनों चीज़ों को बारीक काट लिया है। कढ़ाई में हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, 1 तेज़पत्ता, 1/4 सौंफ और 1/4 जीरा ऐड किया है। हल्का भुन जाने के बाद इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हमने इसमें 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, इसे भी 1/2 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच पानी ऐड कर दिया है जिससे मसाले जलेंगे नहीं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार। अब इन सभी चीज़ों को स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। पहले से तेल सेपरेट हो चुका है, अब टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को 2 से 3 मिनट तक कवर करके पका लेंगे या जब तक टमाटर पूरी तरीके से गल ना जाए। कवर कर दिया है और जब तक टमाटर गलेंगे तब तक हम इसके पीसेस काट लेंगे। पीसेस हम इसके चौकोर में काटेंगे, आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा काट सकते हैं। दोस्तों मूली और बेसन की सब्जी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे आपको सारे वीडियो टाइम से मिल जाएंगे। टमाटर पूरी तरीके से पक चुका है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 1 कप पानी ऐड करेंगे, पानी यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अब इसे फिर से दोबारा से कवर करके रख देंगे
दो मिनट के लिए जब तक ग्रेवी में बॉईल ना आ जाए। ग्रेवी में बॉईल आ चुका है, अब इसमें मूली और बेसन के पीसेस ऐड कर देंगे। मूली और बेसन के पीसेस ऐड करने के बाद इसे एक मिनट तक बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इनके फूटने का चांस ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ध्यान से पकाएं। मूली और बेसन की सब्जी बनके तैयार हो गई है। देखिए दोस्तों, ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है और ये सब्जी पूरी तरीके से परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप हमारी इस रेसिपी को एंजॉय करिए। थैंक यू।